हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग सामने जो देख रहे हैं ये है जगत जगदम्बे माता महाकाली का मंदिर छोटे तालाब भोपाल के। आज आप लोग लाइव दर्शन करेंगे, तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स नमस्कार, आप लोग ये पीछे जो रोड देख रहे हैं ये नादरा बस स्टैंड भोपाल रेलवे स्टेशन से यहाँ आता है। 10 रुपये यहाँ का किराया लगता है और आज हम करेंगे माता महाकाली के मंदिर के दर्शन। और ये आप लोग पीछे देख सकते हैं ये है प्राचीन माता महाकाली का मंदिर जो छोटे तालाब पर उपस्थित है। यहाँ पर आप लोगों के लिए बताता हूँ कैसी क्या सुविधाएँ हैं और कैसे क्या यहाँ पर स्थान के विषय में पूरी ए टू जेड जानकारी आप लोगों के लिए बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं। माता महाकाली का मंदिर छोटे तालाब पर उपस्थित, इसको बोलते हैं श्री कालिका शक्ति पीठ कालीघाट भोपाल। और ये रोड गया है भोपाल से इस मंदिर से न्यू मार्केट की तरफ, एमपी नगर की तरफ। और इस साइड ये रोड गया है बैरागढ़ गांधीनगर और अंदर भोपाल इतवारा बुधवारे में। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं। 11:55 हो रहे हैं दोस्तों। नहीं, मेरे खुद को चैनल है वो यूट्यूब पे। तो अब हम मंदिर में चलते हैं, यहाँ बैरिकेडिंग लगी है। तो इस साइड से ये पहले ये प्रसाद की दुकान है मंदिर के बाहर की साइड में, दोनों तरफ इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये गेट है श्री कालिका मंदिर धर्मार्थ न्यास श्री कालिका शक्ति पीठ कालीघाट भोपाल मध्य प्रदेश। और ये वहाँ से अंदर आने का रास्ता है। दोनों साइड प्रसाद और जो भी हवन सामग्री की चीज़ें हैं सब यहाँ से ले सकते हैं। और बाकी की दुकानें इस साइड हैं और अंदर ये रास्ता गया है, कहाँ मुझे पता नहीं है, पर बंद है यहाँ से रास्ता। और अंदर अब चल के बताता हूँ, अंदर माता रानी के मंदिर के दर्शन करके आप लोगों के लिए बताऊंगा बस। अब हम मंदिर में अंदर चलते हैं और ये एक दुकान पीछे है प्रसाद हमर सामग्री की। अब मंदिर में अंदर चलते हैं और अंदर माता रानी के दर्शन करेंगे। चप्पल जूता बाहर उतारो। ये चप्पल जूता उतारने की एक जगह यहाँ पर है, यहाँ भी उतार सकते हैं और बाहर भी उतार सकते हैं। और आज ये अब हम मंदिर में अंदर आ चुके हैं। तो ये है माता काली मंदिर छोटे तालाब पर। आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो दोस्तों आवाज़ हो सकता है सही ना आए, पर माता रानी के मंदिर के दर्शन करना है दोस्त, छोटी मोटी चीज़ें तो सहन करना ही पड़ेंगी। दर्शन ये दुर्गे माँ का आप लोग दर्शन कर रहे हैं, ये दुर्गे मैया हैं। जय दुर्गे माता। और इस साइड ये भगवान, मेरे भगवान है ये महादेव जटाधारी शिव शंकर। आज बहुत मंगलवार का दिन है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है और पूजा पाठ चल रहे हैं यहाँ पर। एक ये यहाँ पर पूजा चल रही है मंदिर के अंदर और एक परिवार यहाँ पर पूजा पाठ कर रहा है। और एक यहाँ पर पूजा हो रही है मंदिर में।
और ये एक अलाव लगा है, यहाँ पर अगरबत्ती लगाते हैं। तो दोस्तों ये है छोटा तालाब और इसी के पास में ये छोटा तालाब ही माता महाकाली की वजह से यहाँ पर अस्तित्व में है, नहीं तो ये भी कभी का विकास के नाम पर भेंट चढ़ गया होता। तो यह है छोटा तालाब, आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना प्यारा खूबसूरत एक फव्वारा चल रहा है। अंकल वो है माइक लगा के, अंकल ने, अरे पैर जल गया यार छोटू। तो ये तालाब है सामने और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत फव्वारा चल रहा है, देख सकते हैं। और ये मंदिर के बाहर का दृश्य है और ये सामने एंट्री गेट है, यहाँ से अंदर आते हैं। ये मंदिर परिसर में मास्क लगाकर ही प्रवेश करें, 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी। तो दोस्तों ये हमारे माता महाकाली के मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। तो ये है माता रानी, आप लोग दर्शन कर लीजिए। दोस्तों शायद जीवन में बड़ी मुश्किल से दर्शन हो पाते हैं, मैं भी बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ यहाँ पर। तो अब हम एक बार और चलते हैं अंदर और मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। आवाज़ साफ नहीं आएगी दोस्तों क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब आप लोग दर्शन कर रहे हैं माता महाकाली के। ये हमारे पंडित जी हैं जो माता की सेवा करते हैं और ये उनके सहयोगी हैं। जय जगदम्बे मैया काली। अब आप लोग चलने के लिए ये थोड़ा अच्छा, हाँ हाँ आइए अभी आगे आइए, आगे निकल जा रहा है। नहीं है मैं थोड़ा ले लीजिए, चलिए भैया। तो ये तो थे माता रानी के मंदिर के दर्शन, एक परिक्रमा भी पूर्ण कर ही लेता हूँ मैं, तो पता नहीं फिर कब तक नहीं आ पाऊँगा। ये हमारी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है और मंदिर से अब हम बाहर आ चुके हैं। सामने दरबार है माता रानी का। तो ये थे माता महाकाली के दर्शन।